एक आदमी जिसकी लाइफ एकदम ही बेकार चल रही थी, उसके पास ना लड़की थी ना पैसा, और फिर अचानक उसको मिली ऐसी शक्ति जिससे वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। तो आखिर वो इन शक्तियों से क्या क्या करेगा, और अगर ये शक्तियाँ चली जाए तो उसका क्या होगा, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है नील स्लॉट नाम के एक आदमी से, जिसकी नई लिखी किताब के बारे में एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही नील बोलने लगा वैसे ही एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में कई सारे कुत्ते वहां आ गए और नील का इंटरव्यू बर्बाद कर दिया। जल्दी हमें पता चला कि ये बस नील का सपना था, मगर उसके कुत्ते डेनिस के भौंकने से उसके सुंदर से सपने में कुत्ते आ गए और उसकी नींद खुल गई। इसके बाद हम देखते हैं कैथरीन को, जो असल में वही लड़की थी जो सपने में नील का इंटरव्यू ले रही थी। नील उसे बहुत पसंद करता है पर बताने से डरता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि हाल ही में नासा ने एलियंस का पता लगाने के लिए स्पेस में एक रॉकेट लॉन्च किया है, जिसमें एलियंस के लिए एक मैसेज था। अब स्पेस में पृथ्वी से बहुत दूर रहने वाले कुछ एलियंस को पृथ्वी से भेजा गया मैसेज मिल जाता है, जिसमें लिखा था कि पृथ्वी वासी उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और वो एलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये मैसेज देखकर एलियंस जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी के लोगों के मुताबिक इन एलियंस के पास कई गुना ज्यादा ताकत है। फिर ये लोग पृथ्वीवासी के कुछ वीडियोस देखते हैं, जिसमें इंसान हर तरह के अजीबोगरीब हरकतें और मुजरे कर रहे थे, जिसे देखकर एलियंस को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और वो सोचते हैं कि इन इंसानों को निपटा देना चाहिए, नहीं तो ये धरती और स्पेस दोनों को कचरा बना देंगे। लेकिन इससे पहले वो लोग इंसानों को आखिरी बार परखना चाहते थे, इसलिए ये फैसला लेते हैं कि ये लोग एक इंसान को कुछ भी करने की सुपर पावर देंगे। अगर इंसान ने सुपर पावर्स का इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया तो वो लोग इंसानों को अपने कम्युनिटी में शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ तो वो लोग इंसान समेत पूरे धरती को खत्म कर देंगे। तो प्लान के मुताबिक एलियंस जादुई गोला घुमाते हैं, जिससे नील का नाम निकलता है, जो उस वक्त साइकिल चला रहा था। एलियंस नील की तरफ जादुई तरंग भेजते हैं और जैसे ही वो शक्ति नील से टकराई वो साइकिल से नीचे गिर गया, लेकिन उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसके अंदर सुपर पावर्स आ गई है। आज भी नील हर बार की तरह काम के लिए लेट था, मगर जैसे तैसे वो स्कूल पहुंचता है, जहां हेडमास्टर उसकी धुलाई करने के लिए पहले से तैयार था। हेडमास्टर से सामना होते ही नील को बहुत गालियां पड़ती है। फिर जब वो क्लासरूम के सामने आया तो देखा कि सारे बच्चे क्लास में उधम मचा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन बच्चों को कैसे लाइन पे लाया जाए, इसलिए वो सोचता है कि इनको शांत करा के कोई फायदा नहीं है, बाहर खड़े होके अखबार पढ़ लेता हूँ। लंच के समय वो अपने दोस्त रे के साथ बैठ के खाना खा रहा था। उसे अभी तक अपनी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए अनजाने में ऐसे ही उसने गुस्से से कह दिया कि काश इसके क्लासरूम को कोई धमाके से उड़ा दे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सच में क्लासरूम में धमाका हो जाता है और पूरी क्लास बर्बाद हो जाती है। उसे और उसके दोस्त को बहुत शौक लगता है कि ये क्या हुआ, पर फिर भी वो इसे बस इत्तेफाक ही समझते हैं। जब नील घर लौट कर आया तो डेनिस ने फ्लोर पर पूप कर रखा था। ये देख के वो ऐसे ही कह देता है कि काश डेनिस का पूप खुद ब खुद ही साफ हो जाए, और ऐसा कहते ही पूप में जान आ जाती है और वो अपने आप ही चलकर टॉयलेट में गिर जाती है। ये नजारा देखने के बाद तो वो इतना शॉक हो गया था कि उसको लगने लगा जैसे वो पागल हो गया है। परेशान होकर वो विस्की पीने लगा, पर गलती से उससे विस्की नीचे गिर गई। अब उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा कि काश ये विस्की फिर से बॉटल में आ जाए, और उसी वक्त विस्की अपने आप बॉटल में आ गई। तब जाके नील को समझ आया कि अगर उसने अपना हाथ झटकते हुए कुछ भी कहा तो वो सच हो जाएगा। उसने हाथ झटक कर कहा कि पुराने विस्की की बोतल बदल कर दुकान से नई बोतल आ जाए। ये कहते ही विस्की की बोतल उड़कर शराब के दुकान तक जा पहुंची, और क्योंकि दुकान बंद थी इसलिए वो शीशा तोड़कर अंदर गई। कांच टूटने की आवाज से वहां एक पुलिस वाला आ गया और नील को पकड़ लिया। तभी पीछे से डेनिस ने पुलिस वाले को काट लिया, जिससे नील बच निकला। भागते भागते नील कीचड़ में गिर गया, और तभी वहां कुछ और पुलिस वाले भी उसे पकड़ने आ गए। उन लोगों ने नील को घेर भी लिया था, लेकिन तभी नील ने हाथ झटकते हुए कहा कि काश मैं घर पहुंच जाऊं। घर पहुंचने के बाद उसे क्लासरूम वाला हादसा याद आया, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स मर गए थे। वो अपने मरे हुए स्टूडेंट्स को जिंदा करना चाहता था, इसलिए उसने हाथ झटक कर कहा कि जो भी मरे हैं वो जिंदा हो जाए। उसके ऐसा कहने से आज तक के सारे मरे हुए लोग अपनी कब्र से बाहर निकल आए और नील के घर के आगे खड़े हो गए। नील ने जब ये देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने तुरंत हाथ झटक कर कहा कि काश क्लासरूम वाला हादसा कभी हुआ ही ना होता। ये बोलते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया, और नील एक बार फिर से रे के साथ कैंटीन में पहुंच गया। बाद में जब वो क्लास के बाहर गया तो देखा कि बच्चे अभी भी उधम मचा रहे हैं। इस बार नील ने हाथ झटक कर कहा कि काश ये सारे बच्चे शांत और पढ़ाकू स्टूडेंट्स बन जाए। उसकी बात उसी समय पूरी हो गई और सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे।
क्लास खत्म होने के बाद जब नील स्टाफ रूम की तरफ जा रहा था तब उसकी नजर हेडमास्टर पर पड़ी। उसने तुरंत हाथ घुमाकर कहा कि काश हेडमास्टर उससे अच्छे से बात करने लगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही नील हेडमास्टर के सामने से गुजरा, हेडमास्टर तो खुद को नील की तारीफ करने से रोक ही नहीं पाया। स्टाफ रूम में जाने के बाद नील नोटिस करता है कि उसका दोस्त रे मिस स्प्रिंगल नाम की टीचर के करीब आने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ था कि रे मिस स्प्रिंगल को पसंद करता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसने कहा कि मिस स्प्रिंगल जो रे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो रे को देवता की तरह पूजने लगे। इसके बाद घर जाकर नील ने अपनी शक्तियों से अलग अलग चीजें मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि काश उसका छोटा भाई बड़ा बन जाए, और जब उसका छोटा भाई बड़ा बन गया तो उसे संभाला नहीं गया, इसलिए उसने छोटे भाई को फिर से छोटा कर दिया। फिर उसने कहा कि उसे महान इंसान की बॉडी मिल जाए तो उसका शरीर एकदम अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा हो गया। अपनी बॉडी देख के उसने कहा कि काश मेरी बॉडी फिट बन जाए, जिससे वो बिल्कुल फिट बन जाता है। इसके बाद वो कहता है कि उसे कैथरीन को देखना है, जो उसकी नीचे वाले फ्लोर में रहती है। इसलिए जब उसने कैथरीन को देखना चाहा तो उसका फ्लोर ही गायब हो गया, जिससे उसे कैथरीन दिखने लगी। अगले दिन स्कूल में उसने रे को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दिया, और अपनी शक्तियों को साबित करने के लिए नील ने पहले तो कंकाल को नचाया, फिर कमरे में ढेर सारे फूल उगा दिए, और साथ ही रे को दुनिया की सबसे बेस्ट सैंडविच खिलाई। और तो और अपनी शक्तियों की मदद से वो दोनों जिस भी घोड़े पर शर्त लगाते, नील उसी घोड़े को जितवा देता। नील की सुपर पावर्स को देखने के बाद रे हक्का बक्का रह गया, और उसे नील की शक्तियों पर यकीन हो गया। अब हम कैथरीन की कहानी जानते हैं। कैथरीन एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी है, जिसमें कोई भी आदमी लट्टू हो सकता है, इसलिए अक्सर कैथरीन को लोग हवस की नजरों से देखते हैं, और ये सब कैथरीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका बॉस उसे जबरदस्ती अपने पास लाने की कोशिश करता रहता है, और इसके अलावा ग्रांट नाम का एक अमीरजादा आदमी भी उसके पीछे पड़ा है, जो हर वक्त उसे परेशान करता रहता है। कैथरीन इन लोगों से तंग आ चुकी थी, और सिर्फ नील ही ऐसा आदमी था जो उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करता था। यही वजह थी कि कैथरीन नील को मन ही मन पसंद किया करती थी, मगर नील इस बात से बिल्कुल बेखबर था। अब कहानी में वापस आते हैं। एक रात एलियंस की सुपर पावर देने वाली मशीन थोड़ी देर के लिए खराब हो जाती है। इसी बीच नील अपना हाथ घुमाकर कहता है कि काश कैथरीन को भी उससे प्यार हो जाए, लेकिन वो क्या जानता था कि थोड़ी देर के लिए उसकी सुपर पावर्स गायब हो गई है। तभी कॉलिंग बेल बजता है, और इत्तेफाक से बाहर कोई और नहीं बल्कि कैथरीन थी। वो खुद ही नील से मिलने आ गई थी, पर नील को लगता है कि शायद कैथरीन उसकी शक्तियों की वजह से उससे मिलने आई है। इसके बाद दोनों ने साथ में रात गुजारी, पर ग्रांट ने कैथरीन को नील के घर के अंदर जाते हुए देख लिया। खैर, अगले दिन नील को उसकी शक्तियाँ वापस मिल गई। पिछली रात के बारे में सोचकर वो बहुत खुश था। इसके बाद उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बारिश वाले मौसम को अचानक सुहाना कर दिया, और फिर कहने लगा कि कपड़ों खुद ब खुद आकर मेरे शरीर से लिपट जाओ। बाद में जब वो नाश्ता करने लगा तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल डेनिस पर किया, जिससे अब डेनिस इंसानों की तरह बातें कर रहा था। तभी कॉलिंग बेल बजा, और नील ने डेनिस को किचन में छुपा दिया। दरवाजा खोल के देखा तो बाहर कैथरीन खड़ी थी। वो अंदर आके नील से पिछली रात के बारे में बात करने लगती है। तभी किचन से डेनिस बोलता है कि नील आई लव यू। ये सुन के कैथरीन को गलत फहमी हो जाती है कि शायद नील गे है और उसने उसको धोखा दिया है, इसलिए कैथरीन नाराज होकर वहाँ से चली गई। नील उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन फिर रास्ते में रे ने नील को रोक लिया। रे इसीलिए परेशान था क्योंकि मिस स्प्रिंगल उससे प्यार नहीं करती, बल्कि सिर्फ उसे देवता की तरह हर समय पूछती रहती है। नील जल्दबाजी में था, इसलिए उसने रे को चुप कराने के लिए उसे एक सॉसेज में बदल दिया, और फिर वो सॉसेज लेके कैथरीन के पीछे एक बेकरी में पहुंच गया। नील ने कैथरीन को समझाने की कोशिश करी कि वो गे नहीं है, मगर कैथरीन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो चली जाती है। नील जब कैथरीन के पीछे जाने लगा तो बेकरी वाली दीदी ने उसके हाथ में सॉसेज देके उसे रोक लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि नील ने ये सॉसेज उसके दुकान से चुराई है। दुकान वाली दीदी से जान छुड़ाने के लिए नील ने उसे कुछ पैसे दे दिए, और रे को सॉसेज से फिर से इंसान में बदल दिया। उधर एलियंस ने भी नील पर नजर रखी थी, और नील ने अब तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी अच्छा काम नहीं किया था। दूसरी तरफ जब कैथरीन अपने घर पहुंची तो घर के अंदर ग्रांट पहले से ही बैठा हुआ था। ग्रांट को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई, और उसने घर का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। नील भी ये सब देख रहा था, इसलिए उसने कैथरीन को अपने घर में छुपने की जगह दे दी। लेकिन कुछ ही देर में ग्रांट खिड़की तोड़कर यहाँ भी पहुँच गया। उसने नील के सर पर गन तान दी, लेकिन नील को किसी भी चीज का डर नहीं था। उसने अपनी शक्तियों की मदद से ग्रांट का हाथ तोड़कर वापस जोड़ भी दिया। फिर उसने ग्रांट को छत से चिपका दिया। इससे कैथरीन को यकीन हो गया कि नील अपना हाथ घुमाकर कुछ भी कर सकता है, मगर वो नील और ग्रांट को आपस में लड़ता देखकर वहाँ से चली गई। ग्रांट भी नील की शक्तियों के बारे में जान गया था। उसने नील के सिर पे वार किया, और जब नील बेहोश हो गया तो ग्रांट ने उसे अगवा कर लिया।
ग्रैंट ने नील को कुछ इस तरह से बांध दिया जिससे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। फिर उसने डेनिस को गन पॉइंट पर रख के नील से अजीबोगरीब इच्छाए पूरी कराई, जैसे कि सारे इंग्लैंड के लड़कों के कान चूहे जैसे बड़े हो जाए और शहर के सारे पुलिस ऑफिसर्स पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहनने लगे। क्योंकि नील भी इंग्लैंड का था इसलिए उसके भी कान चूहे जैसे बड़े हो गए थे। कैथरीन नील को ढूंढने के लिए उसके घर गई तो उसकी मुलाकात गलती से रे से हो गई, जो कि मिस प्रिंकल से बचने के लिए नील के कबर्ड में छुपा था। अब रे और कैथरीन मिलके ग्रैंट के घर गए, जहां ग्रैंट ने नील को अगवा करके रखा था और एन वक्त में उन दोनों ने नील को बचा लिया। ग्रैंट के चंगुल से छुटकारा मिलते ही नील ने उसके सारे अजीबोगरीब इच्छाएं वापस मोड़ दी। तभी वहां रे के पीछे मिस प्रिंगल भी पहुंच गई, जो चाहती थी कि रे मर के फिर से जिंदा होके दिखाए, क्योंकि उसके मुताबिक रे देवता है। रे की बलि चढ़ाने का पूरा इंतजाम हो गया था, लेकिन रे को बचाने के लिए नील ने मिस प्रिंगल की यादों को भी मिटा दिया, जिससे मिस प्रिंगल फिर से पहले जैसी हो गई और बाकियों को लेके वहां से चली गई। सब कुछ अब पहले जैसा नॉर्मल हो गया था, लेकिन कैथरीन और रे नील का साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि वो दोनों उससे नाराज थे। कैथरीन ने कहा कि वो ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती जो सिर्फ अपना हाथ घुमाकर कुछ भी कर सके, क्योंकि इस ताकत का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। कैथरीन की बात सुनके नील का दिल टूट गया, पर कैथरीन की बात भी गलत नहीं थी, इसलिए आखिरकार नील ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया का भला करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने दुनिया से गरीबी मिटाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने कहा कि हर इंसान को उतना खाना मिल जाए जितना उन्हें चाहिए। फिर उसने कहा कि किसी भी वजह से दुनिया में जंग नहीं होनी चाहिए और हर इंसान को उसके सपनों का घर मिल जाए। लास्टली उसने कहा कि दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म हो जाए। नील की कई सारी बातें सच हो जाती है, लेकिन फिर जब वो टीवी खोल के न्यूज देखने लगता है तो न्यूज में आता है कि पूरी दुनिया में लोग मोटापे की वजह से मर रहे हैं। साथ ही दुनिया में अब इतने घर बन चुके हैं कि अब दुनिया में जमीन बची ही नहीं। और तो और, अब जब किसी भी वजह से जंग नहीं हो रही थी, इसलिए बिना किसी वजह ही जंग होने लगी थी। सारे देश एक दूसरे से बिना किसी वजह ही लड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास लड़ने की कोई वजह ही नहीं थी। अब जब ग्लोबल वार्मिंग एकदम से गायब हो गई थी, इसलिए पूरी दुनिया ठंड से कांपने लगी। ये सब देखने के बाद नील ने अपनी सारी इच्छाएं वापस ले ली, क्योंकि वो अब दुनिया का भला करने की नाकामयाब कोशिश करने से थक चुका था। इसके बाद डेनिस ने नील से कहा कि उसे अपनी सारी शक्तियाँ डेनिस को दे देनी चाहिए। नील उसकी बात मान गया और उसने अपनी सारी शक्तियाँ डेनिस को दे दी। वहीं दूसरी ओर उन एलियंस ने फैसला कर लिया था कि वो लोग अब दुनिया का विनाश कर देंगे, क्योंकि इंसान उनके कम्युनिटी में शामिल होने के लायक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग धरती को तबाह कर पाते, डेनिस ने हाथ घुमाकर कह दिया कि जहां से ये शक्तियां आई हैं वो जगह ही खत्म हो जाए। इतना कहते ही एलियंस के सुपर पावर्स देने वाली मशीन उन्हीं के स्पेसशिप से जा टकराई, जिससे वहां लगातार कई सारे धमाके हुए और पूरी एलियन कम्युनिटी ही खत्म हो गई। अब नील के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अगले दिन कैथरीन को डेट के लिए पूछा और कैथरीन ने भी अपना गुस्सा थूक के नील को डेट करने के लिए हाँ कह दिया। बस इसी तरह ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।